तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, अगर आपके पास एक लैपटॉप है और उसमें विंडोज 10 रन कर रहा है तो उसमें आप कैसे अपना पासवर्ड लगा सकते हैं, या फिर उसमें आप कैसे अपना पिन लगा सकते हैं, या फिर कैसे आप अपने उसमें फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, या फिर आपको पासवर्ड चेंज करना हो या आपको पिन चेंज करना हो तो ये सब कैसे किया जाता है आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। और चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, वहीं देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको अपने लैपटॉप में पासवर्ड लगाना है या पिन लगाना है तो सिंपली से आपको अपने विंडोज बार में आ जाना होगा। यहाँ पे देखिए आपको विंडोज बार दिख रहा होगा, इसमें टाइप कर देना होगा सेटिंग, या फिर डायरेक्ट आप सेटिंग का आइकन खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आप सेटिंग में आ जाएंगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे अकाउंट्स दिख रहे हैं ना, ये आपको अकाउंट, योर अकाउंट, ईमेल सिंक, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा आपको, साइन इन ऑप्शन दिख रहा है ना, साइन इन ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके साइन इन ऑप्शन में विंडोज फेस आ जाएगा, यहाँ पे फिंगरप्रिंट आ जाएगा, यहाँ पे पिन आ जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी की आ जाएगी, पासवर्ड आएगा, पिक्चर पासवर्ड आ जाएगा, सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। तो फेस लॉक लगा सकते हैं यहाँ से आप अपना, तो फेस लॉक तो मैं लगाऊंगा नहीं, देखिए सेटअप करेंगे, कैमरा आपको लगाना पड़ेगा तो वो नेट की ज़रूरत पड़ती है उसमें, तो वो मैं नहीं लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले विंडोज़ का फिंगरप्रिंट दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट पर क्लिक करते हैं तो मेरा एक ऑलरेडी फिंगरप्रिंट है तो इसमें एक और ऐड करना चाहता हूँ, चलो ऐड अनदर पर क्लिक किया। जैसे ही ऐड अनदर पर क्लिक किया और गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे और वो आपको पिन डालना होगा पहले, तो चलिए मैं अपना पिन डाल लेता हूँ 1008, ये मैंने डाल दिया। अब टच द फिंगर, चलिए मैं दूसरी फिंगर से लगाता हूँ, मान लीजिए मेरी मिडिल फिंगर का मैं ये लगाने वाला हूँ, ये देखिए। नाउ ट्राई अनदर एंगल, तो अगले एंगल से मैं ट्राई करने वाला हूँ, ये देखिए। तो ऐसे आप फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो और अब कौन से एंगल से, मान लीजिए आपको अदर एंगल से बनाना है तो ये देखिए मैं अदर एंगल लगा रहा हूँ और आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा सब कुछ, ठीक है। ये देखिए ऑल सेट, सब कुछ सेट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ सेट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ये मतलब पास पिन अपना चेंज कर सकते हैं या फिर पिन लगा सकते हैं। विंडोज हेलो पिन में जाएंगे आप जैसे ही, तो ये देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पे पिन लगा हुआ है, चेंज करके बताऊंगा। तो चेंज करते हैं और अपना पिन डालते हैं पुराना वाला, तो मेरा पुराना वाला पिन है 1008 और न्यू पिन डालिए, चलिए मैं न्यू पिन डालता हूँ 8585 और कन्फर्म पिन करते हैं 8585 और ये ओके कर देते हैं। तो ये देखिए पिन चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए आपका पिन चेंज हो चुका है। अब चलिए मैं लैपटॉप को लॉक करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या वो पिन चेंज हुआ भी है या फिर नहीं। देखिए ये मैंने अपना लैपटॉप कर दिया शट डाउन। अब मैं 8585 जो मैंने पिन डाला था उसके थ्रू मैं ये लैपटॉप खोल के दिखाऊंगा और जो मैंने अपनी फिंगरप्रिंट और फिर मैंने जो अपना पासवर्ड यूज़ किया था उसके थ्रू मैं ये खोल के दिखाता हूँ। चलिए मैंने अपना लॉक बटन ऑन कर दिया, तो ये देखिए लैपटॉप का स्क्रीन आपके सामने शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको 8585 के थ्रू पिन के थ्रू एंटर करके दिखाता हूँ। तो चलिए ये देखिए ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इस पर क्लिक करेंगे और मैं अपना पिन डालता हूँ पहले, तो 8585। ये देखिए लैपटॉप हो चुका है अनलॉक, ईजिली अनलॉक हो चुका है आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए लैपटॉप हो गया अनलॉक। अब मैं जल्दी से लॉक ऐसे लैपटॉप को फिर से करता हूँ और फिर अब मैं ऐसे फिंगरप्रिंट से खोल के आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस लैपटॉप का फिंगरप्रिंट यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो चलिए देखिए मेरी फिंगर ये मैंने लगाया और ये लैपटॉप ओपन। मैंने दो फिंगर यूज़ की थी, मैं इस वाले से भी आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट से पहले मैं इस लैपटॉप को कर दूंगा लॉक। अब मैं इस वाली फिंगर से ऑन करूँगा, ये देखिए ओपन। तो इस तरीके से आप पिन और फिंगर और पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो बताइए कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो देता हूँ। और क्या आप चाहते हैं कि मुझे विंडोज़ 11 के ऊपर ट्यूटोरियल वीडियोस लेनी चाहिए, बनानी चाहिए, तो बताइए मुझे कमेंट्स में। तो बस यही था पूरी वीडियो में, कल मिलते हैं।